व्यापारी प्रदर्शन में शामिल हुए। अमीनाबाद में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पटरी व्यापारियों को जमीन देने का विरोध किया गया। जिला प्रशासन ने जमीन की है अलॉट और नाराज व्यापारियों ने बाजार भी बंद कर दिया है। आपको बता दें सभी व्यापारी संगठन बंदी में शामिल हुए। प्रदर्शन यहां पर व्यापारियों की तरफ से किया गया और बड़ी संख्या में व्यापारी इसमें शामिल हुए। अमीनाबाद में भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। व्यापारी आज लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण है कि क्योंकि उनकी दुकानों के ठीक सामने जो पटरी के दुकानदार हैं उन्हें जमीनें अलाट कर दी गई हैं। आज से उन्हें स्टेब्लिश करने का मन बनाया है जिला प्रशासन ने। तो आज उन लोगों का जो प्रोटेस्ट है उसी बात को लेकर के है कि जो पट्टी के दुकानदार हैं उन्हें स्थायी कोई ऐसी जगह दी जाए जिससे उनका व्यापार चल सके। यहाँ पे अभी सरकार ने एक नई नियम बनाया है कि उसमें उन्होंने दुकानें चिन्हित कर सारी दुकानों के आगे गोले लगा के नंबर लगा के पटरी दुकानदारों को विस्थापित करने की योजना बनाई है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अमीनाबाद पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहा है और व्यापार यहाँ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आशय है वो ये है कि इनको परमानेंटली विस्थापित किया जाए, क्योंकि इनका भी रोजी है, रोजगार है, इनका भी घर परिवार है, इनको भी रोटी मिलती रहे, इसलिए इनको परमानेंटली सरकार कोई व्यवस्था करके इनको एक जगह दे के, जगह बहुत है, जगह बनाने को आएंगे, हम लोग सरकार को बताएंगे कहाँ कहाँ जगह है, वहाँ पे सरकार मंशा बनाए, वहाँ इनको बिठा ले, ये भी एक जगह परमानेंट होके बैठेंगे, इनका व्यापार फले फूलेगा और हमें भी परेशानी नहीं होगी, हमारे कस्टमर को आने में सुगमता होगी और हमारा भी व्यापार जो है तरक्की करेगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर लेखपाल के घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। 3 बार 1.5 लाख रुपए की घूस ली है। घूस